सुप्रभात बच्चों, मैं जितेंद्र हिंदी का शिक्षक हूँ। आप सबों के बीच वैसे भी व्याकरण की कक्षा लेकर आया हूँ। पिछली कक्षा में आपको मैंने वचन के बारे में बताया था। वचन किसे कहते हैं? वचन का मतलब होता है शब्द के विरूप। जब उसकी संख्या के बारे में बताता हो उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का भान होता है, उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में इसे तीन भागों में बांटा गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिन लोगों को वचन समझ में ढंग से नहीं आ रहा हो, वे मेरी पिछली कक्षाओं को फिर से देखें और पूरी एकाग्रता के साथ, आत्मचिंतन के साथ उसे देखें, पढ़ें, समझें और याद करें। आज मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ कारक लेकर। कारक के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप लोग सभी को ध्यान से मेरी बातों को सुने और अपने जहन में उसे उतारने का कष्ट करें। पूरे ध्यान के साथ मेरी बातों को सुनते रहेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि कारक कहते किसे हैं। कारक का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, क्रिया के साथ बताने वाले चिन्हों को या शब्दों को हम कारक कहते हैं। चिन्ह और शब्द में थोड़ी सी भ्रांति है। चिन्ह अलग होता है, शब्द अलग होता है। शब्द को हम चिन्ह नहीं कह सकते, लेकिन व्याकरणीय दृष्टिकोण से जो विभक्ति चिन्ह वाले शब्द हैं, विभक्ति चिन्ह वाले जो शब्दों को हम कारक चिन्ह के रूप में जानते हैं, उन्हें चिन्हों के ही नाम से जाना जाता है कि यह शब्द अमुक विभक्ति का चिन्ह है, यह शब्द अमुक विभक्ति का चिन्ह है। हालांकि व्याकरणीय दृष्टिकोण से या शाब्दिक दृष्टिकोण से चिन्ह का मतलब होता है संकेत। चिन्ह और शब्द में अंतर होता है, तो यहाँ थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड करते हुए आपको अपने आप को परिमार्जित करना पड़ेगा। व्याकरणीय दृष्टिकोण से जो कारक बताने वाले शब्द हैं, कारक के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वहाँ चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, होता है एक्चुअल शब्दों का ही प्रयोग होता है, लेकिन उनको हम कारकीय चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रत्यक्ष तौर पर बताने वाले चिन्हों को या शब्दों को हम कारक कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर कारक को हम देखें तो कारक का काम सिर्फ क्रिया के साथ ही संज्ञा संज्ञा सर्वनाम का संबंध स्थापित करना नहीं होता है। उसका काम वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों का आपसी समन्वय करना होता है, परस्पर मेल दिखाना होता है। वाक्य में कितने शब्द प्रयुक्त हुए हैं और उनका किनके साथ कैसे कैसे मेल है, ये काम कौन करता है? कारक करता है। कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, अगर उन चिन्हों का हम प्रयोग ना करें, उन शब्दों का हम प्रयोग ना करें, तो शब्द की गरिमा ही समाप्त हो जाएगी, शब्द की महत्ता ही, वाक्य की महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ ने विभक्ति चिन्ह है, को विभक्ति चिन्ह है। अगर इन दोनों चिन्हों को यहाँ से हटा दिया जाए या दोनों शब्दों को यहाँ से हटा दिया जाए तो वाक्य का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। ने हटा दिया जाए, को अगर विलोपित कर दिया जाए तो राम रावण मारा हो जाएगा, राम रावण मारा का कोई अभिप्राय नहीं निकल पाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहने वाला वक्ता क्या कर रहा है, श्रोताओं के दिमाग में ये भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वाक्यों की सुंदरता कायम रहे, शब्दों का आपसी समन्वय हो, शब्दों का आपसी परस्पर मेल हो, इसके लिए कारक चिन्हों का या कारक चिन्हों का प्रयोग, कारकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कारक का काम है वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों के आपसी समन्वय और परस्पर मेल को दर्शाना, यह कारक का काम है। अब होता है यहाँ विभक्ति चिन्ह पर सर्ग। सभी कारकों की अपनी अपनी विभक्ति, नहीं को से के लिए के द्वारा, काके की, रारेरी, मे पर, हे अजी अरे, ये सब जो हैं ये सभी विभक्ति शब्द हैं और इन्हीं शब्दों को हम चिन्ह के भी नाम से जानते हैं, इन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं और इन्हें ही परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग और विभक्ति चिन्ह दोनों एक ही चीज है, या तो इन्हें आप विभक्ति चिन्ह कर लें या परसर्ग कह लें या कारक कह लें, तीनों एक ही चीज है। अब जैसे परसर्ग मैंने आपको बता दिया, अब अध्ययन की सुविधा से कारक को आठ भागों में विभक्त किया गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। वही अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कारक को छह भागों में ही बांटा गया, वहां संबंध,
और संबोधन को कारक नहीं माना गया। संबंध और संबोधन में कर्ता का प्रत्यक्ष संबंध होता है, उस संज्ञा के साथ, क्रिया के साथ संबंध न होकर के संज्ञा के साथ उसका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, इसलिए उसको कारक नहीं माना गया है। लेकिन ये संस्कृत में छह ही कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, बस सिर्फ छह। वहां संबंध और अधिकरण को कारक नहीं माना गया। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कारक आठ होते हैं। कर्ता, उसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म, उसका विभक्ति चिन्ह होता है को, करण, करण का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा, संप्रदान, संप्रदान के लिए, को के लिए, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, अपादान, अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से, ये अलग होने की स्थिति में। से विभक्ति चिन्ह दो कारकों का, करण का भी विभक्ति चिन्ह है और अपादान कार्य का भी व्यक्ति चिन्ह, लेकिन दोनों जगह फिर आपको विस्तार से बताएंगे। दोनों श्री का मतलब अलग है। संबंध का व्यक्ति चिन्ह होता है काके की रारेरी, और अधिकरण का मतलब होता है मे पर। अधिकरण का मतलब क्या होता है? मे पर। और संबोधन का मतलब होता है हे अभी। अब हमें आठों को आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बता दूं, विवेचित करके बता दूं। जैसे यहाँ कर्ता बताया गया है कर्म, कर्म का मतलब होता है, मैंने ऊपर के भी वाक्य में कहा राम ने रावण को मारा, तो कर्ता के लिए ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के लिए किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ने। किसने? तो राम ने, श्याम ने, मोहन ने, शिक्षक ने, बच्चों ने, ये ने विभक्ति चिन्ह हो जाता है। कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगता है। कोई काम करने वाला व्यक्ति, वाक्य में जो काम करने वाला व्यक्ति दिखता है वह कर्ता कहलाता है। वह संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई हो सकता है, वह कर्ता कहलाता है। कर्म दूसरा है, कर्म, कर्म का मतलब होता है जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। किसको मारा? तो रावण को मारा। मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है, तो राम ने रावण को। कर्म क्या आया? किसको करा? बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो पुस्तक। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? तो कृतक। यहाँ क्या है? क्रिकेट। यहाँ क्रिया का प्रभाव खेल पर पड़ रहा है, क्रिकेट पर पड़ रहा है। पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, यहाँ राम ने मारने का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है। इसलिए ऐसे जहाँ कोई व्यक्ति होती है और जिस पर क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तीसरा है करण का। तीसरा कौन सा है? करण का। इसका व्यक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा। से के द्वारा का मतलब होता है जिस साधन से काम किया जाए। शिक्षक ने छड़ी से बच्चों को पीटा, या शिक्षक ने कलम से लिखा, या शिक्षक ने चौक से बोर्ड पर लिखा, तो ये लिखने की जो प्रक्रिया हो जुड़ा हुआ है। लिखने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? चौक के द्वारा किया जा रहा है। पीटने का काम किस चीज के द्वारा किया जा रहा है? छड़ी के द्वारा। पढ़ाने का काम किस चीज से किया जा रहा है? पुस्तक से किया जा रहा है। तो जहां जिस साधन के द्वारा काम किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। वहां की क्या होता है? करण कारक होता है, वहां से विभक्ति होता है। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा, कुल्हाड़ी से काटने की प्रक्रिया यहाँ जुड़ा हुआ है। किस चीज से? किस साधन के द्वारा वृक्ष को काटा जा रहा है? कुल्हाड़ी के द्वारा काटा जा रहा है। तो यहाँ करण विभक्ति होगी, तृतीया यहाँ होता है करण विभक्ति होती है। चौथा है संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, कार्य किसके लिए किया जा रहा है? राम के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, स्नान के लिए, पुस्तक के लिए, हम घर से जा रहे हैं बाजार, सामान के लिए हम घर से जा रहे हैं बाजार, सेहतमंद रहने के लिए अपने घरों में रह रहे हैं, किसके लिए? जिस उद्देश्य से काम किया जाता है उसको कहा जाता है संप्रदान विभक्ति, के लिए उसका विभक्ति चिन्ह। पांचवा है अपादान। अपादान, और मैंने पहले भी बताया था, अपादान और करण विभक्ति का विभक्ति चिन्ह से ही होता है, लेकिन वहां थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों विभक्ति चिन्हों में अंतर होता है। एक होता है साधन के द्वारा, जिस साधन के द्वारा काम किया जाता है वह तृतीय मतलब करण विभक्ति कहलाती है, और से जहां अलगाव की स्थिति होती है। जैसे डेस्क से पुस्तक गिर गए, डेस्क से पुस्तक गिर गए, पुस्तक वहां डेस्क से अलग होकर के निकल रही है, वृक्ष से पत्ते निकल रहे हैं, धनुष से बाण निकल रहा है, तो जहां बाण एक दूसरे को धनुष को छोड़कर अलग हो रहा है, डेस्क से पुस्तक डेस्क को छोड़कर के अलग हो रही है, हिमालय से नदी निकलती है या पर्वत से नदी निकलती है तो नदी पर्वत से अलग होकर निकल रही है वहां से, तो यहाँ जो विभक्ति से होता है
मतलब दुराव की स्थिति में, पृथकता की स्थिति में वहां अपादान कारक होता है। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु से पृथक हो रही है, दो संज्ञा किसी वस्तु से अगला अलग हो रही है, तो वहां से विभक्ति चिन्ह होगा और वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। छठा कारक है संबंध। छठा कारक कौन सा है? संबंध। संबंध का मतलब होता है जैसे रावण का रथ, राम की पुस्तक, शिक्षक की कलम, ये सब है। एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा से बताया जा रहा है। यह आरक्षण हमको क्या बता रहा है कि एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा के साथ स्थापित हो रहा है। तो ऐसी विभक्तियों को काके की, रारे की, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, दूसरे की, दूसरों की, ये रारे की जो होता है यह विभक्ति चिन्ह संबंध कारक होता है। सातवां है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है कि क्रिया कहाँ संपादित हो रही है, काम कहाँ हो रहा है। अधिकरण का मतलब होता है काम कहाँ हो रहा है। जैसे आकाश में युद्ध, राम और रावण के बीच जो हुआ था, युद्ध हुआ था, पहले तो धरती पे हुआ था और फिर भी दोनों ऊपर चले गए थे। इंद्र से उनका, इंद्र यहाँ से उनका विमान आया था, देवताओं ने विमान भेजा था रावण के समकक्ष बनाने के लिए, और तब फिर उस विमान पर सवार होकर के वो भी ऊपर चले गए थे, रावण भी ऊपर था, दोनों में समानांतर युद्ध हुआ था। तो आकाश में युद्ध कहाँ हुआ था? आकाश में युद्ध, गाँव में कुआ, उपवन में फूल। फूल कहाँ है? उपवन में है, बागीचे में है। कुआ कहाँ है? गाँव में है। विद्यालय में बागीचा, बागीचा कहाँ है? विद्यालय में। उपवन या बागीचा कुछ भी हो सकता है। तो क्रिया जहाँ होती है, काम जहाँ होता है, उस जरूरत के लिए हम अधिकरण विभक्ति का प्रयोग करते हैं कि मतलब काम करा। और आठवीं विभक्ति होती है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है कि हम किसी को बुला रहे हैं, किसी को आवाज दे रहे हैं, लेकिन इसको भी कई भागों में विभक्त किया गया है। जैसे हम दुख भी प्रकट कर रहे हैं, घृणा भी प्रकट कर रहे हैं, अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं, प्रसन्नता भी जाहिर कर रहे हैं, खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, या किसी को आवाज दे रहे हैं। तो ऐसे भावनात्मक शब्दों के इजहार के लिए संबोधन विभक्ति की का प्रयोग किया जाता है। हे, अजी, अरे, उफ, हाय, हे राम, ये सब होता है, ये संबोधन विभक्ति का विभक्ति चिन्ह होता है और इसे हम संबोधन कारक के रूप में जानते हैं। तो मैंने आपको कारक के बारे में बताया। कारक का सीधा काम होता है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करना। लेकिन दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो सिर्फ क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित करना ही कारक का काम नहीं होता है। वह वाक्य में प्रयुक्त सारे शब्दों का परस्पर मेल कराता है, आपसी संबंध स्थापित करता है और प्रत्येक शब्दों का संबंध एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है कारक। कारक को हिंदी में आठ भागों में विभक्त किया गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये कारक का आप पूरे तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर वीडियो क्लास को देखें। विद्यालय ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपका समय जाया ना हो, लॉकडाउन में आपका समय पूरी तरह से सार्थक हो, इसके लिए ई कंटेंट और ई क्लास की व्यवस्था की गई है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कृपया इस चीज को देखें और पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई लिखाई में अपना समय लगा। अगर पिछली कक्षा में कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको फिर से आप जाएं। वीडियो क्लास का फायदा यही होता है कि वहाँ जा करके आप प्रीवियस भी देख सकते हैं, आगे वाला भी देख सकते हैं। सभी चीज़ों को देखें और देख करके उसे आत्मसात करें, ध्यान से पढ़ें, समझें। चलिए, हैव ए नाइस डे।